गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर का नाम था रिस्क, बिजनेस रिस्क। ये लो बिजनेस रिस्क। बिजनेस में रिस्क होती है, उसका थोड़ा सा अपन ने और भी पढ़ा था। अब अपन पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिस्क के बारे में। तो इसके कुछ पॉइंट मैंने शायद आपको भेज दिए होंगे, नहीं भेजे तो दोबारा भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये मैंने भेज दिया था। रिस्क रिलेटेड टू टैक्स स्ट्रक्चर, इसके बारे में भेज दिया। भाई जहाँ जहाँ पैसों से रिलेटेड नाम आ जाए ना, वहाँ ये मान लेना इकोनॉमिक रिस्क है। टैक्स का नाम आ गया, मनी का नाम आ गया, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन आ गया। ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था, मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन 1991-92। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? मनमोहन सिंह। बहुत बड़ी मंदी आई थी बेटा वर्ल्ड के अंदर, उसको मेकअप कराया था इन्होंने, अभी तो इनको प्रधानमंत्री बनाया था। फिर सो गए प्रधानमंत्री बनने के बाद में। रिस्क रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हिंदी में नाम सुना होगा आपने, मौद्रिक, कैसे लिखते हैं हिंदी में, मौद्रिक नीतियाँ, नाम सुना होगा आपने मौद्रिक नीतियाँ। मतलब देश के द्वारा मनी को चलाने के लिए, मनी से रिलेटेड रिलेशन। रिस्क रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशन एंड ट्रेंड। तो देखो बेटा, देश की इकोनॉमिक कंडीशन, देश की मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, टैक्स का स्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ें किस पे इफेक्ट करती है? इकोनॉमिक रिस्क पे इफेक्ट करती है। इसलिए इसके अंदर पढ़ते हैं अपन कि हमारी इकोनॉमिक रिस्क को कौन कौन इफेक्ट डालता है। तो याद कर लो, कैपिटल मार्केट, टैक्स स्ट्रक्चर, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन। याद क्या करना है कि इकोनॉमिक रिस्क को कौन कौन अफेक्ट करता है। तो मैंने इसीलिए इनको एक साथ लिख के भेजा। देखो बहुत ही तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, आज तो राइटिंग भी अच्छी आई है, इसे तो आती नहीं है। रिस्क रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ मनी और कैपिटल मार्केट, कौन कौन सा मार्केट होता है? मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है, जहाँ पे पूंजी का लेन देन होता है। जैसे शेयर मार्केट नाम सुना है ना, शेयर मार्केट नाम सुना है आपने, शेयर, डिबेंचर और उसके बाद में आपकी म्यूचुअल फंड, ये सब जहाँ खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो मार्केट कौन सा कहलाता है? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कहलाता है। फिर टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे आप अपन ना माल खरीदते हैं तो इंक्लूडिंग GST, इंक्लूडिंग टैक्स लिखा हुआ आता है हर माल पे, देखा होगा आपने। तो GST हो गया आपका, सेल्स टैक्स हो गया आपका, पहले वेट चलता था, वेट हो गया आपका, टोल टैक्स हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स हो गया आपका, मतलब कि जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स चलाए हुए ना, वो ऑल दीज आर अफेक्ट और बिजनेस ट्रांजेक्शन, सब हमारे बिजनेस के टर्नओवर को सबको अफेक्ट करते हैं। फिर चलते हैं प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। मैंने आपको बताया प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट में चेंज किया गया, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी को लिबरल करके गवर्नमेंट में बनाया गया, मतलब लिबरलिटी दी गई, मतलब आओ काम करो। मॉनेटरी पॉलिसी के मतलब हमारे देश के अंदर पैसा RBI कैसे पास करेगी, कितना रखेगी, रेट क्या रहेगी, रेपो रेट क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी, लोन लेने के प्रकार क्या होंगे, सुविधा कैसे दी जाएगी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। और बाकी आ गए आपका इकोनॉमिक कंडीशन एंड ट्रेंड, हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड कैसे चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही अपन देखेंगे उसके बाद में नॉन इकोनॉमिक रिस्क, जो मनी से रिलेटेड नहीं है, जैसे फिजिकल फ्यूचर एंड क्लाइमेट। वैसे तो सब मनी को ही अफेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस को क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है? डेमोग्राफिक चेंजेस, इन्वायरमेंटल बैलेंस, पब्लिकल इंस्टेबिलिटी, पब्लिकल इंस्टेबिलिटी का लोगों का शहरों की ओर पलायन करना, जाना, और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। पहले अपन जिस दो मैंने आपको बताया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये मैं कर चुका हूँ, टैक्स स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। तो आगे चलते हैं अपन बेटा तीसरे पॉइंट के अंदर, शायद मेरे को याद नहीं, बता दिया नहीं बताया, मेरे पास वो नोट्स आज है नहीं। देखो रिस्क रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इसको मैं पढ़कर मैं बता देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। देखो लिबरलाइजेशन मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच द रूल, कंट्रोल एंड प्राइस आर लिबरल, लिबरल और
relaxation are given in review control of an objective to increase the rate of economic growth. This is a process of probable एंड पॉजिटिव चेंज इन इकोनॉमी के लिए। देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ इसकी कहानी, बताता हूँ क्या होता है। आज की क्लास में ये बताया जाएगा बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। देखो लिबरलाइजेशन क्या हुआ है जी, 1991-92 में बेटा एक नाम सुना होगा हमने, मंदी जिसे अभी चल रही है, क्राइसिस, ये आ गई थी, बहुत बड़ी मंदी आ गई थी। हमारा देश ना वो घाटे में चलने लग गया था, मतलब हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी थी। जितना मुझे पता है वो बता दूंगा। हुआ क्या कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे अपने मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक रूल निकाला उस मंदी से बाहर निकलने के लिए, क्या कहा कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं या गवर्नमेंट कंपनियां हैं या किसी भी प्रकार का फॉरेन ट्रेड हो रहा है उनको आप लिबरल कर दो। क्या कर दो? लिबरल का मतलब होता है कि हाथ थोड़ा सा लूज करना गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट क्या करती है, बेटा हमारी जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है ना उन पे क्या करती है, सबके ऊपर अपना कंट्रोल, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग पावर, अलग अलग ऑर्डर ये लगा के रखती है अलग अलग टाइम पे, कि इस पे बैन, इसको बोलते हैं बैन लगा के रखती है, ठीक है, थोड़ा हार्ड बना देती है रूल को। तो जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज टू कंट्रोल द बिजनेस उनको 1991 और 1992 मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि अगर हमें इस मंदी से बाहर निकलना है तो हमें ये जो मैंने बताए ना बिजनेस के लिए इनको आप थोड़ा सा ढील छोड़ दो। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लिबरल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लिबरल बनना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रूल्स है ना तो पॉलिसी जब उनको हटा दिया ताकि हर आदमी आए और व्यापार स्टार्ट करें, ट्रेड स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों ने ये काम करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे लोग ये काम करते गए हमारा काम होता गया, धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, व्यापारी नए व्यापारी इंटरप्रेन्योर्स को बोलते इंटरप्रेन्योर आ गए, उन्होंने व्यापार नई इंडस्ट्रीज ओपन की, नई फर्म, नया प्रोडक्शन इन्होंने ये क्या किया, ओपन किया। ओपन करके इन्होंने क्या कर लिया, कैपिटल जो हमारी थी पूंजी व्यापार उसके अंदर इन्होंने क्या की, ग्रोथ की। ग्रोथ की तो हमारी रेट, ग्रोथ जो रेट है वो हमारी बढ़ी, लोगों के पास पैसा आया, तो उनकी परचेजिंग पावर ये बढ़ी। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की जो बैंक थी और कंपनियां थी उनको भी प्राइवेट में लाया गया, या जो प्राइवेट में थी उनको गवर्नमेंट में किया गया, मतलब कुल मिला के बहुत सारी छूट दी गई, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। हिंदी में वो उसको बोलते हैं निजीकरण एवं उदारीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण। ये आपका पॉइंट है वो समझाएगा। तो इसने कहा क्या ये इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ा, यस, आप कह सकते हो ना आराम से यस इट विल, या आप पुरानी बात करें तो वॉज अफेक्ट ऑन बिजनेस इकोनॉमिक रिस्क, किसको अफेक्ट करता है, बिजनेस इकोनॉमिक रिस्क को अफेक्ट करता है। तो ये था आपका पॉइंट। तो मैंने कल वाले नोट्स में इसको शायद दोबारा यहाँ पे दोबारा भेज दिया था, ये देखो तो इसने लिखा भी है क्या कि दिस
इज प्रोसेस ऑफ फेवरेबल एंड पॉजिटिव चेंज इन इकोनॉमिक एरिया दिस रिड्यूस सम रिस्क, जिससे हमारे बिजनेस की और बिजनेस की रिस्क कम हुई बट इंक्रीज रिस्क रिलेटेड टू मार्केट कंपटीशन, लेकिन मार्केट कंपटीशन बढ़ाती है। यहाँ ये कह सकता हूँ मैं आपको, मार्केट कंडीशन तो कंपटीशन सॉरी ये तो बढ़ेगा ही, जैसे मैंने क्या कहा लिबरलाइजेशन, तो बहुत सारे व्यापारी आ गए। अब या तो ये मान लो कि दो ही व्यापारी थे किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अब दो और आ गए, फिर दो और आ गए, तो जैसे तीन और आ गए। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जैसे सपोज करो 16 रुपये ले रहे थे, मनमानी कर रहे थे, अब ये कह रहा है कि भाई हम तो 15.5 में दे देंगे, ये बोल हम तो 15 में दे देंगे, तो कंपटीशन बढ़ गया। ये वाली जो रिस्क है ना कंपटीशन रिस्क, ये बढ़ गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमारी चीज़ ये हुआ कि मार्केट में पैसा आने लग गया। ये जो मेन इफेक्ट था वो हमें लिबरलाइजेशन का ये पड़ना है। इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये लिबरलाइजेशन क्या है। क्या लिबरलाइजेशन मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच द रूल कंट्रोल एंड प्राइस आर लिबरल एंड रिलैक्सेशन आर गिवन इन द रूल कंट्रोल विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज प्रोसेस ऑफ फेवरेबल एंड पॉजिटिव चेंज इन इकोनॉमिक एरिया दिस रिड्यूस सम रिस्क ऑफ बिजनेस बट इंक्रीज द, हम कह सकते हैं कि ये भी इकोनॉमिक रिस्क। हम कल बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे हैं मोनेटरी पॉलिसी है, इकोनॉमिक रिलेशन कंडीशन, इनके ऊपर कल कंटिन्यू बात करेंगे। थ्योरी की क्लास है बहुत ही इनफ है। थैंक यू सो मच।